बच्चों, कैसे हो आप? मैं हूं आरजी चौबे और आप देख रहे हो YouTube चैनल MS Team Education। YouTube चैनल Team Education में आपका स्वागत है। मैं आज की वीडियो में क्लास 9th के अध्याय 1 के बारे में बताऊंगा, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, जैसा आप सभी लोग जानते हो या आप सभी लोग अपने आसपास के जितने वस्तुओं को देखोगे तो सारी की सारी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, अर्थात छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है। जैसे बात करते हैं अपने शरीर के बारे में, हमारे शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। कोशिकाएं जब आपस में मिलती है, समूह बनाती है, तो ऊतक बनते हैं। ऊतक जब मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है और इस प्रकार से पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से संसार की जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वो छोटी वस्तुएं हों चाहे बड़ी वस्तुएं हों, सारी वस्तुओं का निर्माण पदार्थ से ही हुआ है। तो अब हम समझेंगे पदार्थ क्या है, यानी मैटर क्या है। ध्यान देंगे, मैटर के बारे में जानेंगे, मैटर किसे कहेंगे। तो इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन है, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। अब बात करेंगे, जिसे आप देख रहे हो मार्कर है, मार्कर को जहां भी रखोगे, मैं अपने हाथ पर रखकर आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए, ये मार्कर अपना स्थान घेरा हुआ है, इसका आकार है, इसका वजन है, और आप लोगों से कहा जाए कि जाकर के मार्कर खरीद लाइए तो आप किसी दूसरे वस्तु को नहीं खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, मार्कर खरीदेंगे। इसलिए मार्कर भी क्या है, पदार्थ। इसका उदाहरण हो जाएगा लोहा, पत्थर, लकड़ी, पानी, मेज, कुर्सी इत्यादि। फिर से देखेंगे, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। तो आओ बच्चे, अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करें। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था, तीसरा है गैस स्टेट या गैसियस स्टेट यानी गैस अवस्था। पदार्थ की एक और स्टेट है जिसे प्लाज्मा स्टेट भी कहा जाता है, प्लाज्मा स्टेट। अब बात करेंगे सॉलिड स्टेट क्या है। तो सॉलिड स्टेट में किसी पदार्थ के आकार और आयतन, अगर कोई वस्तु सॉलिड स्टेट में होगी तो उस वस्तु की आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है, अर्थात इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसकी उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी इत्यादि।
ये सारी वस्तुएं सॉलिड स्टेट में आती हैं। सॉलिड स्टेट के बाद नंबर आता है लिक्विड स्टेट का, द्रव अवस्था। पदार्थ की दूसरी अवस्था जिसे हम द्रव अवस्था कहते हैं, द्रव अवस्था में आयतन, ध्यान देंगे, द्रव अवस्था में आयतन तो निश्चित होगा परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल इसका लेंगे तो तेल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, दूध हो जाएगा। अब इसका एक उदाहरण लेंगे, जैसे आप पानी लीजिए, पानी लेने के पश्चात उसको थाली में रखिए, पानी का आकार थाली के आकार का हो जाएगा। उसे बाटल में रखिए, बाटल के आकार का पानी का आकार हो जाएगा। अर्थात लिक्विड स्टेट में आकार अनिश्चित होता है और उसका आयतन निश्चित होगा। अब बात करेंगे द्रव्य की तीसरी अवस्था जिसका नाम है गैसियस या गैस स्टेट, गैस अवस्था। तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें, जिस अवस्था में न तो आकार ही निश्चित रहता है और न ही आयतन ही निश्चित रहता है, तो इस अवस्था को गैसियस अवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा वायु, धुआं, जलवाष्प आदि। अब देखिए बच्चों, गैसियस अवस्था एक ऐसी अवस्था है जैसे हम किसी कमरे में धुआं करते हैं, तो धुआं करने के पश्चात क्या होता है कि पूरा धुआं उस कमरे में फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम परफ्यूम सेंट को स्प्रे करते हैं तो सेंट भी पूरे कमरे में फैल जाता है। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको शॉर्ट डाउन करेंगे, लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।